सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बने आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अंगमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मन, पर तख गुरु निसतारे। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सक महिमा जो त्योहारी, हमना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत भय सुख सैल। मैं नाही कछ हौ नहीं कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। सो कहो टल गुर सेविया, अहिंस सहज सुभाय, दर्शन परस है गुरु कै, जन्म मरण दुख जा। दर्शन परस है गुरु कै, जन्म मरण दुख जा। जुग जुग अटल चबर शतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी उपर सुभाए मन, दस पातशाहियां दी आत्मक जोत, सरकारे कुल आलम हजूरे अनवर पातशाह, सर मनुखता दे सांझे रहबर, सर मानवता दे मार्ग दर्शक, बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हाजर हजूरी विच, सतगुरां दे पावन स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहिब विखे पुज करके जुड़ बैठ के सतगुरां दे पावन दरबार दी हाजरी दा आनंद मान रही, गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ सरबत संगतां सर्व विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफते दी सांझ करिए। और जो संगतां लाइव टैलीकास्ट के माध्यम दे राही आपो अपने घरां विच बैठ के सतगुरां दे पावन दरबार नाल जुड़ बैठियां सिख संगतां, ओ भी सारे सतगुरां दी पावन गुरफते विच शामिल होवो, अते सारे माई भाई मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत होई है, सतगुरां दी रहमत सदका मनुखा जन्म दी बख्शिश होई, अमृत वेले दा जागना, इशनान पान नितनेम दियां दातां प्राप्त होईयां, और वड्डे भागां दे द्वारा सतगुरां दे दर्शन ददारे, धुर की बाणी दे नितनेम इलाही कीर्तन, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे। कल युग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना,
आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा। सतगुरां दा जस सतगुरां दी वडियाई सरवण करन दा सुनहरी समा सानू सब नू प्राप्त हो रहा। बाला प्रीतम धन गुरु हर कृष्ण सच्चे पातशाह दे पावन दरबार गुरद्वारा बंगला साहिब विखे अमृत वेले तो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह प्रकाशमान होके दर्शन ददारे बख्श रहे हैं। गुरबाणी दे जाप नितनेम सिमरन श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन सतगुरां दे हजूरी रागी सिंह साहबाना दी रसना तो आपने सरवण कीते हन। सतगुरां दी रहमत होई है, बख्शिश होई है। भादों दा महीना सतगुरां दी रहमत दे सदका बतीत होया। अज असू दे महीने दी संक्रांत दा दिन है, असू दे महीने दी शुरुआत हो रही है। सतगुर सच्चे पातशाह दे चरणा च अरदास है कि सतगुर अपने चरणा नाल बाणी बाणे नाल नितनेम नाल जुड़ के बतीत करवाउण, सब नू चढ़दी कला बख्शिश करन, सरबत दा भला करन, गुरु चरणा च अरदास है। बारह माहा मांझ सरलेख हेठ जो शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे मुखार बिंद तो उचारण कीती होई पावन बारह माह दी बाणी असी पढ़दे ते सुणदे हां। असू दे महीने दा जाप आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी गुरद्वारा श्री बंगला साहब उन्हां दी रसना तो सरवण कीता है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जो सानू इस असू दे महीने द्वारा उपदेश बख्शिया, सतगुर दी रहमत बख्शिश दे सदका असी उस उपदेश नू विचारना और हिरदे च वसाउणा है। समुची बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी सानू बंदगी नाल जोड़दी है, भगती नाल जोड़दी है, सेवा ते सिमरन दे नाल जोड़दी है कि उस वाहिगुरु दी सिफत सलाह दे नाल जुड़। जे गुरमुख प्यारे वाहिगुरु दी सिफत सलाह दे नाल उस परमात्मा अल्लाह खुदा दी बंदगी दे नाल जीव जुड़ जांदा ते उहदा लोक सुखिया ते परलोक सुहेला हो जांदा, जीवन सफला हो जांदा। सतगुरां दी समुची बाणी जदों असी पढ़दे ते सुणदे आ सानू इही उपदेश प्राप्त हुंदा है। और इस कलुकाल दे समय दे अंदर, कलयुग दे समय दे अंदर ता सतगुरां दे पावन बचन ने आप कलु आयो रे इक नाम बोबह बोबह अन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। सतगुर कहिंदे कलयुग दा समय ते उस परमात्मा दे नाम नू बीजना कर। बीजना किथे है? ए खेत शरीर रूपी खेत दे अंदर, खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलुवा आए। मन हाली करसानी करनी शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। फिर सतगुरां दी बख्शिश भाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा। ये सतगुर सच्चे पातशाह ने उस वाहिगुरु दी सिफत सलाह नाल जोड़िया। इस खेत शरीर विच परमात्मा दा नाम बीजना, ओदी बंदगी दे नाल इक नाम बोबह बोबह। ते सतगुर कहिंदे रोते आ, असी किसानी नाल जुड़े होए आ, गुरमुख प्यारे ओ देखदे जदों रुत हुंदी आ, रुत दे अंदर जिहड़ी फसल दी रोते आ ओह बीज बीजदे आ ते फिर ओह उगदी आ, सानू फल प्राप्त हुंदा है। जे रोती ना होवे करोता बीज बीज दिए उगदा नहीं। जे खेत गुरमुख प्यारे ओ बत्तर ना होवे तामी बीज उगदा नहीं ते सानू फल दी प्राप्ति ता की होनी है, साडा बीज भी व्यर्थ चले जांदा। ते सतगुरु कहिंदे कलयुग दा समय परमात्मा दा नाम बीज ओदी बंदगी कर। राम राम कहिंदा राम राम कह, अल्लाह अल्लाह कहिंदा अल्लाह अल्लाह कह, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा वाहिगुरु वाहिगुरु जप, अपने धर्म अनुसार जो तैनू गुर मंत्र प्राप्त होया सारे परमात्मा दे नाम ने, बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम।
सतगुर सच्चे पातशाह दे नाम ने उस वाहिगुरु परमात्मा दे कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवा गोसाइया कोई आला उस वाहिगुरु दा नाम बीज रुद भी नाम दी कलम है कर्म धर्म नहीं कोई कली का जन्म चंडाल के घर होई नानक नाम बिन को मुक्त ना होई सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे नाम तो बिना बंदगी भगती तो बिना किसे जीव दा छुटकारा नहीं होया ओ वाहिगुरु दी बंदगी ओदी भगती दे नाल ही तेरा छुटकारा हो जा सकदा 84 लख जूना तो तेरा लोक सुखिया ते परलोक सहेला हो सकदा उस वाहिगुरु दी बंदगी ओदी सिफत सलाह दे नाल ओदे हुक्म विच गुर कहिया साकार कमाव जो गुरु दा हुक्म है उस नू कमा करके तू जीवन सफला कर सकदा नहीं तां ख्याल कर कलम है कर्म धर्म नहीं कोई कली का जन्म चंडाल के घर होई नानक नाम बिना को मुक्त ना होई कलयुग दे अंदर केवल परमात्मा दे नाम दी गल है बाणी दे वचन ने सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार कलयुग च केवल नाम दा आसरा हजूर सचे पातशाह बचन करके सानू समझाउंदे आ कि भाई उस परमात्मा दा नाम जप उस नू याद कर ख्याल करियो गुरमुख प्यारियो जदों असीं परमात्मा नू याद करदे आ जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़ जांदा उह बुरे कर्मां चों निकल जांदा माड़े कर्मां चों निकल जांदा जिहदे रोम रोम विच परमात्मा वस जांदा ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਸ ਗਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੜਿਅੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਛੜਿਅੰਤਰ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨਪਣ ਕਰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪਦਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੈ ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ
ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਪੋਸਟਮੈਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚੈ, ਜੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਦਰ ਖੇਸ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਪਰ ਤਾਣ ਲਈਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਘਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਤ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨਮਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੰਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲ ਸਰੀਰਨ ਕੋ ਬਣਿਓ ਵਿਸਰਨ ਹੈ ਇਨ ਅੰਤ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਸੇ ਸਦਾ ਜਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਭੁੱਲਦੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਲਾਹਾ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੁਮ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਤੋਟੇ ਕੋ ਵਿਗਤਾਇਆ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸੇਰ,
सतगुर सचे पातशाह कहिंदे लाहा लै लाहा प्राणी तू आयो लाहा लैण हर नाम वणजह रंग सिउ लाहा हर नाम लै जावे। परमात्मा दे नाम दा लाहा बंदगी दा लाहा जिन्हां नूं रब याद है जिन्हां नूं मौत याद है गुरमुख प्यारिओ परमात्मा दे नाम दा लाहा लैंदे जीवन सफला करके संसार तो जांदे है। यह मनुखा जन्म जिहड़ा वाहिगुरु की कृपा दे सदका प्राप्त होया कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना बार बार ज्यों बाण फल पक्के भोए गिरे बहर न लागे डार। सो इस मनुखा जन्म दा लाहा गुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज भी सानू इस बंदगी भगती वाले शुभ कर्मा वाले पासे प्रेरदे आ उस वाहिगुरु दे नाल जुड़न दा उहदे नाल आत्मा परमात्मा दा मिलाप एकमेक होण दा उपदेश सतगुर सचे पातशाह सानू इस असू दे महीने द्वारा भी बख्शिश कर रहे है। महीनिया दे नामा द्वारा मनुखा जीवन नू मनुखा जन्म नू संबोधन करदे आ सतगुर बख्शिश करदे आओ। असू दे महीने की शुरुआत हो रही है सतगुर सचे पातशाह दे उपदेश जो बारह महामांझ विच गुरु अर्जन देव सचे पातशाह ने सानू बख्शिश कीते है सरवण करना करिए सतगुर की बख्शिश प्राप्त करने लई गुरबाणी कथा विचार नाल जुड़न लई मनोबिरतियां एकागर करके ते मनोबिरतियां की एकाग्रता लई सारे मिलके उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए। सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह बचन करदे भाई इस मनुखा जन्म अंदर प्रेम दा उमाड़ा इस असू दे महीने विच प्रेम दा उछाला कादे वास्ते भी किस तरह उस परमात्मा नूं मिलां किस उस वाहिगुरु दे नाल एकमेक होवां जिस तों परमात्मा तों विछड़ के जीव आत्मा बने। ख्याल करियो इहनूं क्यों शब्द उचारण करां क्यों दा अर्थ है किवें ते जे क्यों कह दिता ते सवालिया फिकरा बन जांदा क्यों क्यों मिली है कादे लई मिलना है नहीं बिंदी तो रहत जदों उचारण करांगे ते शुद्ध जाप शुद्ध पाठ होवेगा ते शुद्ध अर्थ प्राप्त होवेगा। कई जगह ते बिंदिया की वरतों गुरमुख प्यारे उचारण मात्र हुंदी है जदों असीं उचारण मात्र बिंदी ना उचारण करदे हां तां फिर अर्थ स्पष्ट हो जांदा है और कई जगह ते बिंदी लग जावे तां फिर गुरमुख प्यारे अर्थ का अनर्थ बन जांदा है। हुण सतगुर की बाणी पढ़दे हां सते बलवंडे की वार ते वचन आउंदा पुत्री कौल ना पालियो हुण शब्द उचारण मात्र पुत्री पुत्री धी का वाचक है बेटी का वाचक है पर जो उचारण हो रहा वह पुत्रां दा वाचक है ते बिंदी दे नाल उचारण होवेगा ते अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अदक की भी वरतों होंदी है लघु मात्रा की वरतों गुरमुख प्यारे असीं उचारण मात्र कर लैंदे आ दीर्घ मात्रा की वरतों नहीं होंदी। जदों असीं उचारण करदे जब राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा अर्थ स्पष्ट हो जांदा है। हुण जे अदक दे नाल उचारण कीता ते गुरमुख प्यारिओ लजाए शब्द बन गया लज्जा दे शायद भी जदों बंदा रब नाल जुड़िया उस अल्लाह वाहिगुरु खुदा नाल जुड़िया ते जिहड़े जम सी उह शर्मसार हो के भज गए भी इहदा हुण साडे नाल संबंध नहीं रहा दूर रही उह जन ते वाट जे पेंड है लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी ये ता परमात्मा नल जुड़ गया एकमेक हो गया ते जाम शर्मशार हो के भज गए। पर जे असी अदक दा उचारण ना कीता असी सतगुर दे बाणी दे उते जो पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही ना गुटका साहब दे उपर ना गुरु साहब दे सरूप दे उपर ना पोथी ना सैंची दे उते पेन की वरतों नहीं कर सकते भी असीं इत्थे बिंदी लिख दईए इत्थे अदक लिख दईए। पिछले समय के अंदर गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी ये गुस्ताखी की गई वह भी तुहाडे सामने श्री अकाल तख्त साहब ते मसला गया कि अमेरिका की धरती के उत्ते गुरबाणी के अंदर लगा मात्रा नाल छेड़छाड़ की गई है। फिर श्री अकाल तख्त साहब ते गुरमुख प्यारिओ पंथ की एकत्रता हुई ये वक्री गल है कि मसले बड़े आ जथेदार साहबाना कोले कि वह भुल जाते हैं कि उन्होंने बाद भुल ही गए जिहड़ा तीन महीनों का समा दिता सी
कि इस समय दे अंदर गुनाहगार आदमी अपना आके स्पष्टीकरण देन, ते जदों स्पष्टीकरण देन फिर उस तो अगला फैसला लिया जाना। ना गुनाहगार पहुंचे ना स्पष्टीकरण दिता, ते तीन महीनों की जगह महीने पांच लंघ गए, पर जथेदार साहब इस अत संवेदनशील मसले वाले पासे ध्यान नहीं दिता गया, जदों के देना चाहिदा सी। अपील करदे आ कि श्री अकाल तख्त साहब ते इस जेड़ा साडी गुरमुख प्यारे गुरबाणी नाल जुड़िया होया अत संवेदनशील मुद्दा उहदे ते जथेदार साहिबान ध्यान देण, क्योंकि उहनां दी ड्यूटी बनदी है। कई होर गल्लां बातां बिना, कई होर बयानबाजियां बिना सर सकदा, पर इस मसले ते गुरमुख प्यारियो मैं समझदा वेसलापन जां इस मसले ते घिसलवट्टी जिहड़ी आ उहदे नाल पंथ दा नुकसान हुंदा है, कौम दा नुकसान हुंदा है, ते इस मसले ते अखां मीटियां इस मसले ते घिसलवट्टियां सरदा नहीं। जे कोई गुरबाणी नाल छेड़छाड़ करदा, कोई युरत करदा है, सीधे उस नूं उहदे कीते दा फल देना, ओनू सजा देनी जो पंथक रवायतां अनुसार है, वह बहुत जरूरी। रहो विचार, मैं बेनती कर रहा सी क्यों मिली है हर जाए, जे क्यों शब्द उचारिया तो सवालिया फिकरा बन जांदा, क्यों कादे लई नहीं, क्यों मिली है। एक बिंदी दे नाल गुरमुख प्यारियो फर्क पैंदा, एक विश्राम दे नाल फर्क पैंदा, एक अदक दे नाल फर्क पैंदा। और गुरमुख प्यारियो जदों असीं सोध के ध्यान दे के गुरबाणी नूं पढ़ांगे अर्थां सहित, किसी टकसाल संपर्दा विद्यालय गुरमत इंस्टीट्यूट दे अंदर इस संथिया नूं गुरमुख प्यारियो प्राप्त करके असीं दुनिया दे सारे काम करदे सिखदे हां। सिखे कामां च सफलता हुंदी है, अणसिखे काम दे अंदर असफलता हुंदी, गुरमुख प्यारियो नुकसान हुंदा है। यह धुरकी बाणी हर सिख का फर्ज बनता, इनू सीखना, गुरबाणी का शुद्ध पाठ सीखना, शुद्ध अर्थ सीखने हर गुरसिख का फर्ज है। गैर सिख भी गुरबाणी नू पढ़ते है, अक्सर कई बार ऐसे गैर सिख मिलते गुरमुख प्यारियो जेडे गुरबाणी दियां लगा मात्रा अर्थां बाबत बहुत ज्ञान रखते, हो कहिंदे सी संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब का पाठ ते संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अर्थ असी पढ़े है, पर असी गुरमुख प्यारियो जिन्हां नू जरूरी है ते सब नू जरूरी है, पर जिन्हां गुरसिखां नू, क्योंकि साडे गुरु है, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, सानू ते अत्यंत जरूरी है कि असी गुरबाणी दे अर्थ पढ़ीए, गुरबाणी दा शुद्ध पाठ शुद्ध उचारण असी सिखीए, पर असी इस पासे वेसले हां। होर संसारी काम करन कार वास्ते बहुत समय, गुरबाणी पढ़न वास्ते विचारन वास्ते गुरबाणी दे अर्थां वास्ते साडे कोले समा नहीं है। हर मनुख कहिंदा बहुत बिजी हां, समा नहीं है गुरबाणी पढ़न दा, अर्थ पढ़न दा, शुद्ध पाठ पढ़न दा, पर संपर्दावां टकसालां विद्यालयां दे अंदर गुरबाणी दा शुद्ध पाठ सिखाया जांदा है, गुरबाणी दे अर्थ पढ़ाए जांदे आ। गुरु कियां वरसाइयां टकसालां, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने भाई मनी सिंह वाली टकसाल, बाबा दीप सिंह वाली टकसाल, दमदमी टकसाल, और फिर गुरमुख प्यारियो सतगुर सच्चे पातशाह दियां लाईयां होईयां ड्यूटियां, ते असी गुरमुख प्यारियो साडा फर्ज बनदा असी गुरबाणी दा शुद्ध पाठ शुद्ध उचारण सिखीए, शुद्ध अर्थ पढ़ीए, ते जदों लगा मात्रा नाल सोध के असी गुरबाणी दे पाठ ते अर्थ पढ़ांगे, फिर सानू जिहड़ी सही सोझी उह प्राप्त होवेगी। सो सतगुर सच्चे पातशाह वचन कर रहे भाई, प्रेम दा उछाला मन दे अंदर, क्योंकि साज कहो सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम दे नाल ही भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को, भावना तो बिना, श्रद्धा प्यार तो बिना उस परमात्मा की प्राप्ति किवें हो सकती है। जिन्हां ने पाया प्रेम करके पाया, चाहे वह भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, भगत धन्ना जी, ये सारे भगत गुरमुख प्यारियो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर जिन्हां दा इलाही इलहाम जो गुरबाणी दर्ज है, कादे नाल पाया, श्रद्धा भावना प्रेम दे नाल, परमात्मा नाल प्रेम कीता प्यार दे नाल। तो सतगुर वचन कर रहे भाई, असू दे महीने दे अंदर प्रेम दा उसाला मन दे अंदर मनुखा जन्म क्यों मिली है हर जाए, क्यों किस तरीके नाल, ओ केड़ा साधन, मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए, ते सतगुरु अर्जन
ਰਾਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸ ਭੈ ਆਪ ਵੇਚਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਗ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਝਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪੱਧਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਮੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਫੈਦ ਪਾ ਲਏ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਭਗਵੇ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਤੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋੜਨਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ ਮੁਹਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
ते साडे लोग गुमराह होके हजारां लखां दी तादाद विच उधर नूं क्यों उहनां ने मन च आ गया कोई सिख धर्म ते कोई साधु संत है नहीं, कोई गुरसिख संत है नहीं, किसी की संगत नहीं करनी। ते फिर उस पासे नूं कहिंदे आ जाओ साडे कोले आ जाओ। कईआं ने मंत्र देने भी शुरू कर दिते, कन्ना बाटी कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, मंत्र भी अपने बना ले। आ सारा कुछ माफ करियो गुरमुख प्यारियो, बेनती है सिख धर्म दे अंदर जो सतगुर सच्चे पातशाह ने सानू बख्शिश कीती है गुरबाणी सारी मनुखता लई है, सानू गुरु रूप विच आ ते सतगुर दे वचन पढ़ीए गुरबाणी पढ़ीए। गुरु ते कहिंदे गुरसिखां दी संगत कर, गुरमुखां दी सतपुरखां दी, इह वखरी गल आ कि तू इह भी पहचान पैदा करके इह भी ख्याल दे नाल कि लिबासे खिजर में अनेकों रह जन भी फिरते हैं, ये भी ख्याल करके चलना। अगर दुनिया में रहना है तो पहचान पैदा कर, केवल लिबास देख के नहीं उलझना, केवल वड्डा नाव वड्डा डेरा मठ वेख के नहीं उलझना, सच दी संगत गुरबाणी दी कसवटी ते रख के देख कौन गुरसिख है, कौन साधु है, संत है, महात्मा, ओदी संगत कर जुड़िया ते जुड़ेगा। साधु संत महात्मा गुरसिख प्यारा ते सतगुर सच्चे पातशाह भी वचन कर दे मैं दसे हो मार्ग संतो, मैनू दसो कोई राह उस परमात्मा दी प्राप्ति दा। प्रेम दा उछाला मन दे अंदर, प्रेम दा उमाड़ा तां गुठी है, उमके उहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रह जाई, पर कोई राह दस। इस करके बेनती गुरमुख प्यारियो गुरसिखां दी संगत करनी है, गुरमुखां सतपुरखां साधु संत महात्मा जिहड़े रब नाल जोड़दे परमात्मा नाल जोड़दे, परमात्मा दीआं कथा कहाणियां परमात्मा दीआं सिफत सलाहां ते जिन्हां दी संगत श्रद्धा भावना प्रेम रस सानू पैदा हुंदा है, एहो जी खुशक विचारधारा तो दूर होना है जो कहिंदा कोई साधु संत नहीं कोई महात्मा नहीं। गुरमुख प्यारियो मैं एक होर बेनती करदियां, जंगल दे अंदर जे कोई दो चार घोर ने खाली मिल गए, दस भी खाली मिल गए ते मता भुलेखा पा लै भी जंगल च शेर ही नहीं हैगा। सारे घोर ने खाली नहीं हुंदे, किसे घोर ने च शेर बैठा हुंदा, सारे घोर ने खाली नहीं है, हरेक साधु संत नहीं हुंदा। ते गुरमुख प्यारे भी नहीं के साधु संत हुंदा नहीं है, संत साई के लाडले संत साई के पूत है, संत न आते जगत में विधाता जाता ऊत, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जन कर धन हर नाम, परवान गणी से ही यह आए सफल तना के काम। सो गुरसिखां दी संगत सतपुरखां दी संगत, आ गुरमुख तुरे ते देखो गुरमुख प्यारियो किन्ने फिर वापसी हुई, जेड़े गुमराह हुए सन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उपराले किए जा रहे, सत्कारयोग सिंह साहब जी की रसना तो तुसी सुनिया, बहुत संपरदावां टकसालां जथेबंदियां रागी ढाडी संत महापुरख प्रचारक गुरसिखी का प्रचार प्रसार आपो अपने वसीलिया साधना नाल कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली चो उपराला किया गया, जिवें सिंह साहब जी ने दसिया धन लिखारी नानका बैनर हेठ सरलेख हेठ समागम किए जा रहे। हर शनिवार दिल्ली के वख वख कोनिया के अंदर गुरु घर के अंदर, अज गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शालीमार बाग अज शाम दा उत्थे प्रोग्राम है, दास नूं भी हुक्म है उत्थे शाम नूं हाजरी भरनी है। गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शालीमार बाग अठवां प्रोग्राम इस सरलेख हेठ है, इस बैनर हेठ, इस मुहिम दे हेठ, इस लहर दे हेठ जिहड़ी धन लिखारी नानका दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उपराला किया गया। मौजूदा प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालो, उन्हां दी समुची टीम ते धर्म प्रचार दे चेयरमैन भाई जसप्रीत सिंह करमसर और सारी उन्हां दी टीम, सारे मैंबर साहबान सहयोगी जिन्हां ने उपराला सोचिया, और यही गुरद्वारा रकाबगंज साहब विखे भाई लखी साहब वंजारा हाल विच इकत्रता करके लहर दी लहर का आगाज किया। रागी ढाडी प्रचार कथा वाचक पंथ प्रसिद्ध गुरु दियां गल्लां सुनाउण वास्ते, गुरु दे बचन सुनाउण लई
ते गुरमुख प्यारे गली गली जित प्रचार वाली गल घर घरे अंदर धर्मसाल किड्डा सोहना उपराला चंगी काम दी सानू सलाघा करनी चाहीदी सहयोग देना चाहीदा मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ना चाहीदा दिल्ली दे अंदर प्रचार लहर मुहिम मैं पहला भी हाजरी भर के गया बहुत सारे रागी ढाडी प्रचारक कथावाचक संत महापुरश हाजरियां भर रहे आ संगतां नाल गुरु कीआं गल्लां गुरु कीआं कथा कहानियां हो रहीआं ने उथे पंजाब दी धरती ते भी जिथे साडे संत महापुरख रागी ढाडी प्रचारक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी पंथ दी सरमौर संस्था उथे गुरमुख प्यारियो धर्म प्रचार दा केंद्र दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी खोलिया गया न्याजी सुबह सुबह ही गुरमुख प्यारियो पढ़ रहा सी जदों नितनेम तो बाद इधर कथा वास्ते आना सी ते मैं देखिया कि बॉर्डर एरिए च प्रचार करन वास्ते 100-125 दे करीब गुरमुखां दी ड्यूटी अज एस जी पी सी वालों भी लाई गई है शलाघा है चंगे काम की प्रचार प्रसार वास्ते ड्यूटी लाई गई प्रचार प्रसार होवे उहदा रिजल्ट मिले जे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जाके सेंटर खोलिया श्री अमृतसर साहब की धरती ते उहदा रिजल्ट मिलिया सानू जदों खोलिया सी तरह तरह की बयानबाजी भी कई बार बड़े धड़ेबाजी दे पार्टीबाजी दे वखरेवे हुंदे आ बहुत सारे वीरां ने कहा लो जी दिल्ली तो जाके अमृतसर खोल दिता सेंटर जी ये तो केवल अखबारी रिपोर्टां जी अखबारी गल्लां जी कौन प्रचार करेगा ते जे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सेंटर खोलिया धर्म प्रचार केंद्र खोलिया डॉक्टर मनजीत सिंह भोमा नूं चेयरमैन पंजाब लाया उन्हां दी समुची टीम रागी ढाडी प्रचारक उन्हां दे नाल पिंडां विच गए ते 100 दे करीब परिवारां नूं गुरमुख प्यारे उन्हां ने मैं कल ही पढ़ रहा सी 45 दे करीब परिवार ते कल पूरे परिवारां नूं जिन्हां नूं नकली पास्टरां ने धर्म तब्दीली वाले धर्म परिवर्तन वाले पासे पाया सी उन्हां नूं वापस मोड़ के गुरमुख प्यारे फिर सिख धर्म दे अंदर घर वापसी की गई शामिल किया गया कि जिन्हां नूं गुमराह कुन गल्लां दे नाल गुमराह किया गया सी शलाघा योग उपराला शलाघा करनी बनती है कि जे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का धर्म प्रचार केंद्र दिल्ली च काम कर रहे है इथे दे चेयरमैन उन्हां दी समुची टीम इथे काम कर रही ते पंजाब दी धरती ते भी उन्होंने चाहे वह कला बार्डर एरिया ही नहीं गुरमुख प्यारियो माझे दे वख वख थावां ते इधर मालवे दे अंदर पटियाला च भी समागम और केवल समागम नहीं भी कट्ठे हो गए गल्लां बातां होईयां वर्क पिंडां च जाके घर घर जाके वर्क हुण ताईयां किथे है ता मैं समझदा गुरमुख प्यारियो जिथे प्रचार दे नाल सिख्या दे नाल तबलीक दे रस्ते एक गुरमुख ने गुरमुख पैक गुरसिख ने हुण चेयरमैन साहब ना तो संत ना साधु जे आपां केवल नां दी जां लिबास दी गल करिए एक गुरसिख ते गुरमुख प्यारे उन्होंने नाल रागी ढाडी प्रचारक कथावाचक पिंडां विच जाके वर्क कीता ते रिजल्ट साडे सामने आ गया किन्ने परिवारां दी घर वापसी होई है आ बंगला साहब तो टैलीकास्ट हुंदी है कथा गुरद्वारा सीसगंज साहब तो हुंदी है सचखंड श्री दरबार साहब गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल तो कथा गुरमुख प्यारे टैलीकास्ट हुंदी घरां च बह के दुनिया भर दे अंदर किनिया संगतां जिन्हां नूं सोझी मिलदी है किन्ने भुले भटकियां नूं राह मिलदा गुरमुखां दी रसना तो गुरबाणी गुर इतिहास सरवण करके सो इस करके मैं बेनती करां गुरमुखां दी गल गुरसिखां दी गल उन्हां दी संगत मैं दस्से हो मार्ग संतो प्रभु नूं मिलना परमात्मा नूं गुरसिखी नूं धारण करना सतगुरु कहिंदे मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावै माए संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए ते फिर अगे बचना विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी ना ही जाए दूजी कोई जगह ही नहीं है जिथे सुख मिल जे परमात्मा तो बिन विण प्रभ क्यों सुख पाई है सुख ना ही बहुता धन खाटे सुख ना ही पेखे निरत नाटे इन्हां गल्लां विच सुख नहीं है सुख ना ही बहु देश कमाए सुख किथे सर्ब सुखां हर हर गुण गाए ते सतगुर बचन कर रहे हैं परमात्मा तो बिना किते विण प्रभ क्यों सुख पाई है प्रभु तो बिना सुख किथे प्राप्त है सर्ब सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाई है सर्ब सुखां दा दाता ते परमात्मा है सतगुर है
सतगुर बचन कारे जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। फिर जिन्ना ने प्रेम रस चखिया गुरमुखां दी संगत कर गुरु दी संगत कर परमात्मा नाल जुड़े प्रेम रस विच जिन्ना ने चख लिया प्रेम रस बाबा फरीद साहब ने चखिया वह कहिंदे दुनिया दे सब मिठे जिहड़े आ ना वह परमात्मा दे नाम दी मिठास अगे कोई मायना नहीं रखते। फरीदा सकर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दुध सबे वस्तु मिठिया पर रब ना पुजन तुद आखिया परमात्मा दे नां दे बराबर नहीं है सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद जिन्नी चाखिया प्रेम रस जिन्हां ने प्रेम दा रस श्रद्धा भावना प्रेम दा नाम दा रस महापुरख बाबा तरसे मस्तू आने वाले महापुरख बाबा नंद सिंह नानकसर कलीरां वाले महापुरख संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरख किस किस दा नाम लई एक दूए के चढ़न दियां जिन्हां ने प्रेम रस चखिया नाम रस चखिया ते छकाया उन्हां दी संगत विच जिनी नाम त्याया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल होर केती छुट्टी नाल उन्हां नाल किन्ने गुरमुख प्यारे छुट गए किन्ने उन्हां दी संगत आके जुड़ गए वह जुड़े सी जोड़िया उन्हां नाम दा रस चखिया ते चखाया जेड़े परमात्मा नाल जुड़े गुरमुख प्यारे उस करके मैं बेनती करा सतपुरखां दी संगत गुरमुखां दी जे कोई दुख तकलीफ भी है गुरु अगे अरदास करदे परमात्मा अगे अरदास करदे गुरसिख साधु संत महात्मा गुरु कृपा करदा बख्शिश हो जांदी है आपां आप भी करनी है गुर पै अरदास कर पर जे किसे गुरमुख साधु संत जेड़ा नेड़े होवे परमात्मा दे जिन्हें प्रगट कर लिया हुण इत्थे संगतां आउंदियां ने अरदास ते असीं आप भी करदे आ पर बड़े विशेष है जिहड़े आके सिंह साहब नूं कहिंदे सिंह साहब जी साडी अरदास करो सिंह साहब जी साडी अरदास करो असीं तुहाडे तों अरदास करवाउणी चाहुंदे आ अरदास तां असीं खुद भी करदे आ हुण जिद्दां गुरमुख प्यारे जिन्ना नेड़े होवे उहदी ज्यादा सुणी जांदी है ना हुण तुसीं देख लो संसारी फिरती देख लो जिहड़ा प्रधान दे नेड़े आ उहदी ज्यादा सुणी जाऊ जिहड़ा मुखमंत्री दे नेड़े प्रधानमंत्री दे नेड़े आ वह गल मैं नहीं सुना सकता मैं भी कह सकता उही गल पर मेरी उन्नी सुनवाई नहीं होगी जिनी नेड़े वाले दी होगी जेड़ा नेड़े आ उहदी सुनवाई आ ते नेड़े कोई ये नहीं शरीर करके नेड़े जेड़ा अंदरों नेड़े विचारां करके नेड़े आ इसे तरह गुरसिख साधु संत महात्मा जेड़ा परमात्मा दे नेड़े आ जेड़ा रब नूं प्रगट कर लिया जिन्हें सबरे अंदर साबरी तां नीवै जलेन हुण नजीक खुदाए दा भेत ना किसै देण उह भेत नहीं दिंदे उन्हां दा उठना बैठना बोलना चलना उन्हां दा रहना सहना दसदा कि परमात्मा दा किन्ने नेड़े आ इह परमात्मा दे किन्ना नेड़े आ जेड़ा नमैश लाउंदा उह तां फिर कायरे बक बाद लायो जिन हर पायो तिन्हें सपायो उह तां कहो कबीर शूशा घट बोलिया भरिया होए सो कबू ना डोले जेड़ा कहिंदा मैं रब नूं मिल गया आ जो तुहानूं मिला दिंदा उथे गुरमुख प्यारे सोचण दी लोड़ है उथे कदम रोकण दी लोड़ है क्योंकि उथे पखांडे आ ड्रामा दिखावा ऊना घड़ा छलकदा भरिया घड़ा कदे छलकदा नहीं पानी दा जेड़ा थोड़ा जा भी ऊना हो छलकेगा उहदी आवाज आएगी बाणी च भी वचन है ज्यों गूंगे की मठियाई हुण मिठा खवा के किसे गूंगे नूं गुड़ खवा दिओ मठियाई खवा दिओ ते उहनूं पुछे भी दस भाई गूंगिया स्वाद किन्ना ते गुरमुख प्यारे उहदा चेहरे दी मुस्कुराहट दसेगी इहनूं मिठास लगी इहनूं स्वाद आया पर जे उहने बोल के कह दिता भी इहदे बहुत मिठा गुड़ आ बहुत मिठी मठियाई आ बहुत स्वादिष्ट आ तां फिर भेत याद हो गया भी इहदे गूंगा ही नहीं हैगा इहने बोल के दसदा गूंगे दा हाव भाव दसदा उहनूं मिठास किन्नी है जिहड़ा रब दे नेड़े आ उहदा बोलना चलना रहना सहना ओदी किरिया दस दी गुरमुख प्यारे परमात्मा दे किन्ना नेड़े आ ते जेड़ा कहिंदा मैं मिल गया मिला दिना उत्थे गुरमुख प्यारे दिखावा पखंड रहो विचार इस करके बेनती गुरमुखो गुरसिखां दी संगत गुरमुखां दी संगत सतगुर बेनती कर रहे जिन्नी चाखिया उपदेश कर रहे सतगुर के जिन्हां ने चख लिया से तृप्त रहे अगायो रज गए पदार्थां दी भुख नहीं रही कासे दी भुख नहीं रही
अगा गए रज गए त्रिपत हो गए आप त्याग बिनती करें लिहो प्रभु लड़ लाए। कहिंदे मैं भी आपा त्याग के हौमे दा त्याग करके सतगुर दे प्यारियां दी शर लिहो प्रभु लड़ लाए कृपा करो लड़ लाओ। तो जिन्हां ने आपा त्यागिया उन्हां नूं प्रभु ने लड़ ला लिया। जो हर कंत मिलाईया से विछड़ कते ना जाए जिन्हां नूं उस परमात्मा कंत पति परमेश्वर ने मिला लिया से विछड़ कते ना जाए फिर उन्हां दा विछोड़ा नहीं हुंदा। ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈ ਆਸ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਯਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਰਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਯਾ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਯਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਯਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਆ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲਾ ਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਯਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੁਰੇ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੂ ਦੀ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।